हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यदि आपके यहाँ पर फेसबुक आईडी यहाँ पर लॉगिन है तो सिंपली आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है तो यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। लॉगआउट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी आईडी जो होगी यहाँ पर आपकी लॉगिन रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए लॉगिन इन अनदर अकाउंट का है, सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपको यदि पासवर्ड नहीं मालूम है तो सिंपली यहां पर देखिए फॉरगेट ऑप्शन पर आपको यहां क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपके सामने जीमेल आईडी आएंगी, तो यहां पर आपकी कोई भी जीमेल आईडी नहीं होगी तो आपको यहां नोट नो शो कर देना है। और इसके बाद यहां पर देखिए आप जिस भी मोबाइल नंबर से आपने जो आईडी को बनाया है वो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है कि आपने जिस मोबाइल नंबर से उस फेसबुक को आईडी को बनाया। तो चलिए यहां पर अपना मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। डालने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है फाउंड योर अकाउंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। ये आपके इस नंबर पर जितने भी अकाउंट बने होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे कि एक नंबर पर आपने जितने भी यहाँ पर फेसबुक अकाउंट बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पर चूज कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं अपना चूज कर लेता हूँ। इसके बाद इसका पासवर्ड आपको यहाँ पर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर इसका पासवर्ड तो मालूम नहीं है तो सिंपली यहाँ पर देखिए गेट कोड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो अगर आपने ईमेल से बनाया तो ईमेल शो करेगा और मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर शो करेगा। तो आप यहाँ से किससे चाहते हैं उसको फॉरगेट करना, तो यहाँ पर चलिए मैं मोबाइल नंबर को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए हम कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके उसी मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, मतलब पासवर्ड आएगा। तो सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है, 6 अंक का आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से आप पर पूछेगा कि आप यहाँ पर अपना लिखा है क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, तो सिंपली आपको अपना यहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल लेना है। चलिए यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर आज की तारीख मैं यही डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 फरवरी, तो यहाँ पर मैंने देखिए पासवर्ड डाल दिया। सो इस तरीके से आप भी अपना यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिख के आएगा रिमाइंडर योर पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड है। यदि आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए लॉगिन हुआ, आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। जो आपका अकाउंट था वही आपका सेम अकाउंट है, उसी तरीके से अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, और एक इससे पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि यदि आपको ये पासवर्ड नहीं मालूम है यहाँ पर, तो दूसरे तरीके से आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप का ऑप्शन है, इसके नीचे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर सभी पासवर्ड यदि आपने सेव किए हैं तो वो यहाँ पर आप सभी पासवर्ड सेफ हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका शो हो जाएगा, यदि आपने जीमेल से बनाया तो जीमेल शो हो जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड देखने के लिए इस आई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर फिंगर टच करने को बोलेगा, तो आप अपना यहाँ पर फिंगर टच करेंगे। हो सकता है यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा हो क्योंकि ये प्राइवेसी है पासवर्ड, इसलिए ना दिखा रहा हो। तो यहाँ पर आप जब इससे फिंगर को टच करेंगे तो ये देखिए आपका जो यहाँ पासवर्ड है ये भी शो हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन आता है, तो इस पर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए देन यहाँ लिखा है पासवर्ड कॉपीड, तो आपका पासवर्ड कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और अपने पासवर्ड को और अपने मोबाइल नंबर को डालकर फिर से आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप अपने पासवर्ड को यहाँ से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।